नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे पहले प्रकृति की उपासना के महापर्व छठ पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आते हैं खबर पर। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने जिसे चुनाव लड़वाया था वो अपने लाव लश्कर के साथ हेमंत के खेमे में शामिल हो गया, जेएमएम का हिस्सा बन। अब सवाल यह है कि जो जेएमएम दावा करती रही कि बरहेट में भाजपा का जमानत नहीं बचे, भाजपा जमानत नहीं बचा पाएगी, क्या वो दावा हकीकत में तब्दील हो जाएगा? क्या वाकई हेमंत सोरेन के सामने बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी? इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले भाजपा के भीतर झारखंड में हो क्या रहा है जरा उधर नजर डालते हैं। झारखंड में कुल है 81 सीटें। 81 सीट में आप सोचिए कि कितनी सीटों पर किसी पार्टी में बगावत हो सकती है, कितने बागी हो सकते हैं, 5, 7, 10, 12। भाजपा ने एक साथ 30 बागियों पर कार्रवाई करके ये बता दिया झारखंड में कि भाजपा में कम से कम 30 बागी। मैं जमीन की रिपोर्ट की अगर बात करूं, जमीनी रिपोर्ट जो है उसमें पलामू, लातेहार, हजारीबाग, एक एक जिले में एक एक विधानसभा पर बागियों की कुल संख्या 40 से ऊपर। 30 पर तो कार्रवाई हुई है, 40 से ऊपर बागी। और हालत यह है कि चंपई सोरेन के लाने का कोई असर नहीं हुआ, चंपई अपनी सीट पर फंस गए। चंपई के बेटे का चुनाव आज की तारीख में ग्राफ अगर देखें तो नीचे, चंपई खुद फंसे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी अपने ही एक साथी को बागी के रूप में खड़ा करके भूमिहार मतों का डिवीजन करवा करके, क्योंकि भूमिहार भाजपा से झारखंड में भयंकर नाराज हैं, उनका डिवीजन करवा करके एक भूमिहार प्रत्याशी, अपना पुराना साथी, 20 साल पुराना साथी, जो झारखंड का सबसे अमीर प्रत्याशी, उसको मैदान में ला करके किसी तरह सीट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद माले का प्रत्याशी राजकुमार यादव, वो बाबूलाल मरांडी पर भारी नजर आ रहा है। यानी जितने हैवी वेट्स थे वो सारे हैवी वेट्स, चाहे सोरेन परिवार की बहू को तोड़ करके लाए सीता सोरेन को, सीता सोरेन की सीट हो, वो फंसी हुई है। हालांकि वहां पर उनको ऑक्सीजन दे दिया उन्हीं के खिलाफ जो प्रत्याशी गठबंधन के थे, इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया कि उस बयान से उनको ऑक्सीजन मिली, लेकिन उस सीट पर वो भी फंसी हुई है। बाबूलाल मरांडी अलग फंसे हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी फंसी हुई है, चंपई सोरेन फंसे हैं, चंपई सोरेन का बेटा फंसा हुआ है, रांची सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी सीपी सिंह की सीट फंसी हुई है, वहां से महुआ मांझी को जो चुनाव मैदान में उतार दिया, पिछली बार ही बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था। अब आते हैं उस प्रत्याशी पर, इस बार जो जेएमएम में पूरे लाव लश्कर के साथ आकर के भाजपा को बड़ा झटका दिया, और ये झटका उस वक्त में दिया जब मंडल मुर्मू जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, और मंडल मुर्मू की कहानी हम कई बार बता चुके हैं, उनको भाजपा अपने साथ ला करके एक संदेश दे रही थी कि हमने झटका दिया है। लेकिन झटका किसे कहते हैं, मंडल मुर्मू का तो कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, झटका किसे कहते हैं, वो हेमंत सोरेन ने दिखा दिया। और उस समय दिखाया जब अभी भाजपा मंडल मुर्मू को लाने का जश्न भी मनाने की हालत में नहीं थी। उस वक्त हेमंत सोरेन ने सीमोन माल्तो, ये सीमोन माल्तो 2019 में बीजेपी के टिकट पर बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, सीमोन माल्तो को बुधवार को जेएमएम में शामिल करवाया। और ये अकेले नहीं आए, पूरा लाव लश्कर भाजपा के कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम लेकर के जेएमएम में शामिल हो गए। सीमोन माल्तो का भाजपा छोड़ करके जेएमएम में आना 15-16 दिन पहले की याद दिला दिया, जब लुइस मरांडी, वो वही लुइस मरांडी हैं जिन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ करके हेमंत सोरेन को हराया था एक बार, वो लुइस मरांडी जेएमएम में आ गई। यानी जिसको बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा किया, चुनाव मैदान में लाया, चुनाव लड़ाया, धीरे धीरे वो सब के सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का हिस्सा होते जा रहे हैं। जमीन खिसक रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग और राजीव कुमार
के की मदद से अभी भी चुनाव मैदान में नफरत का डोज लगातार भाजपा दे रही है, बांट रही है, इंजेक्ट कर रही है। हिमंता बिस्वा सरमा के नफरती बयानों पर वक्त गुजर गया। मुझे लगता है कि अब 3 दिन होने के करीब हैं जब शिकायत दर्ज करवाया था इलेक्शन कमीशन में जेएमएम ने, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए अगर यही शिकायत कहीं भाजपा की तरफ से हुई होती किसी कांग्रेस नेता के बारे में, जेएमएम के नेता के बारे में, तो अब तक एक्शन हो चुका होता। हो सकता है कि चुनाव प्रचार करने पर उस नेता के रोक लग गई होती, मतलब तत्काल एक्शन हुआ होता। अब जिस सिमोन माल्तो की हम बात कर रहे हैं, ये सिमोन माल्तो 2019 में बरहेट से चुनाव मैदान में थे और इनको हेमंत सोरेन ने 25,740 वोट से हराया था। सिमोन माल्तो को 47,985 वोट मिले थे, 47,985 वोट लाने वाले, यानी 48,000 वोट लाने वाले बरहेट से सिमोन माल्तो अपनी पूरी टीम के साथ आ गए हैं। 4 दिन पहले ही सिमोन माल्तो ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे की वजह आप समझिए, जो और ज्यादा एक व्यक्ति से ज्यादा एक समुदाय नुकसान जो पहुंचाता है उसको समझना होगा। सिमोन माल्तो ने जो बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा भेजा था, मैं इस्तीफा जो है उस इस्तीफे से आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये जो सिमोन माल्तो आते हैं वो आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय से आते हैं और किसी भी इस आदिम जनजाति जो पहाड़िया है समुदाय, इससे किसी भी व्यक्ति को बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। इसकी वजह से पहाड़िया समुदाय की नाराजगी को रिफ्लेक्ट करते हुए सिमोन माल्तो ने 4 दिन पहले इस्तीफा दिया था। अच्छा, ये पहाड़िया समुदाय को अगर समझें, इसको इसके मिजाज को समझें, तो पहाड़िया समुदाय पहले पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक था, कांग्रेस का मतदाता था, लेकिन कांग्रेस छोड़ करके ये पहाड़िया समुदाय पिछले कुछ चुनावों से कम 2-3 चुनावों से ये पूरी तरह से डेडिकेटेड मतदाता हो चुका है भाजपा का, भाजपा के पक्ष में लामबंद होकर के एक तरफा मतदान करता रहा। अब ये इस सिमोन माल्तो के इस्तीफे को इस पहाड़िया समुदाय से जोड़िए कि एक समुदाय झारखंड में जो जनजातीय है, आदिवासी समुदाय है, वो समुदाय फिर से भाजपा को छोड़ करके इंडिया अलायंस महागठबंधन जेएमएम के साथ आए, कांग्रेस के साथ आए, लौटता नजर आ रहा है ये समाज। और साफ इस्तीफे में लिखा है कि ये पहाड़िया समुदाय बड़ा नाराज है क्योंकि इसको अपमानित किया गया है भाजपा ने। हेमंत सोरेन ने खुद स्वागत करते हुए पोस्ट में जो लिखा वो पोस्ट में पढ़ दूं। सताल परगना में बरहेट से भाजपा नेता सिमोन माल्तो ने अपने समर्थकों के साथ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार का दामन थामा। आप सभी का झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है, जोहार। दरअसल बरहेट में जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, सिद्धो कानों के वंशज थे, उनको भाजपा ने अपने खेमे में ला करके एक संदेश देने की कोशिश की थी। जेएमएम ने ऐसी पलटी मारी कि जो प्रत्याशी 48,000 वोट लेके आया था हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसी को पूरे लाव लश्कर के साथ शामिल कर लिया। अब आप पॉइंट्स में गिनिए भाजपा के झारखंड में हालात को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स के। जो प्रत्याशी हेमंत सोरेन के साथ था वो पूरी टीम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के साथ आए। भाजपा में 40 से ज्यादा 81 सीट में भी भाजपा ने आजसू, एलजेपी और जेडीयू के लिए सीटें छोड़ी हैं। कुल मिलाकर के 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। 68 सोचिए, उसका आधा 34, 30 को तो निकालना पड़ा है, 30 पर तो कार्रवाई करनी पड़ी है, 40 के करीब यानी हर सीट पर एक आध बागी है, कहीं कहीं एक से ज्यादा बागी। हालांकि बागियों का इस्तेमाल करना बीजेपी जानती है, कई बार ये बागी प्रायोजित होते हैं, ये विपक्ष को इसमें सावधान रहना होगा, कई बार ये बागी प्रायोजित होते हैं, वो ऐसे बागी होते हैं जो विपक्षी वोट बैंक में सेधमारी करते हैं जातीय समीकरण के आधार पर। ऐसी जाति के होते हैं कि वो बागी बनकर के चुनाव मैदान में आते हैं, बीजेपी उन पर एक्शन करती है, लगता है बीजेपी से दूर हो गए हैं, तो उस जाति का सिंपैथी वोट उसको मिलता है और वो विपक्ष के मतों में सेंधमारी कर देता है।
इस बात से भी सावधान रहना होगा जेएमएम को, कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कई मतलब उसके पास फिर छल बल सब कुछ इस्तेमाल, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में इन बागियों पर सिर्फ जस्ट मनाने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को सावधान रहने की जरूरत है कि वो बागी किसके मतों को डेंट कर रहा है, किसके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये बागियों की संख्या। तीसरा पॉइंट, भाजपा के भीतर जो स्थानीय कार्यकर्ता है, हिमंता बिस्वा सरमा ने जिस तरह झारखंड बीजेपी को मनमाने तरीके से, कहते हैं ना कि ताश के पत्ते की तरह फेंट देना, मनमाने तरीके से जैसे फेंट रहे हैं, स्थानीय लोकल लीडरशिप को जिस तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, हाशिए पर रखा गया, उससे बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासीनता और नाराजगी है। चौथा पॉइंट, एक सीट बाबूलाल मरांडी अपनी सीट पर अपने ही साथी को बागी के रूप में खड़ा करके भूमिहार मतों को हो सकता है विपक्षी खेमे में जाने से रोक ले, लेकिन ओवरऑल झारखंड में बिहार जो भूमिहार मतदाता है वो भाजपा से इस बार रूठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसको जो कहते हैं डैमेज कंट्रोल की कोशिश के रूप में रविंद्र राय को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, जो रविंद्र राय जिनके साथ गजब खिलवाड़ हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी कि आप टिकट चाहते हैं, इतने वरिष्ठ नेता के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, तो उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इससे भूमिहार मतदाताओं में नाराजगी अभी जो डैमेज कंट्रोल में थोड़ा बहुत हो सकता है, भले मैनेज हुआ हो, लेकिन नाराजगी ग्राउंड पर घटी नहीं है। चौथा पॉइंट ये हो गया। इन चार पॉइंट्स के अलावा पांचवा ये है कि अभी जो चुनावी स्थिति है, जहां पर इंडिया गठबंधन अपर हैंड पे नजर आ रहा है, वो उस वक्त नजर आ रहा है जब राहुल गांधी की अभी झारखंड में एंट्री दस्तक जोरदार तरीके से हुई ही नहीं, हुई नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई, अब वो एंट्री राहुल गांधी की एंट्री कल होने जा रही है, कल राहुल गांधी की एंट्री झारखंड में हो रही है। ये पांच पॉइंट, इस पांच पॉइंट के इर्द गिर्द अगर इस सबके ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट आपको जोड़ना है तो कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन से भी बड़ी प्रचारक, स्टार प्रचारक बन के उभरी है, हेमंत सोरेन से ज्यादा डिमांड झारखंड में प्रचार के लिए या रैली के लिए, जनसभा के लिए, रोड शो के लिए कल्पना सोरेन की है। ये एक एक्स फैक्टर है, छठा जो पॉइंट मैंने बताया, ये छठा पॉइंट एक्स फैक्टर है। इस एक्स फैक्टर से ही ये चुनाव बड़े पैमाने पर बदल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हमें इजाजत दीजिए, झारखंड के चुनावी अपडेट्स के साथ हम फिर आएंगे। नमस्कार।